बॉलीवुड के मशहूर फिल्मकार शेखर कपूर अपने एक ट्वीट के बाद से खूब ट्रोल हो रहे हैं। सिर्फ आम लोग ही नहीं, जाने माने गीतकार जावेद अख्तर ने भी इस ट्वीट के लिए शेखर कपूर पर जमकर भड़ास निकाली। दरअसल शेखर कपूर ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर एक ट्वीट किया और लिखा कि उन्हें विभाजन के दशकों बाद अभी भी शरणार्थी जैसा महसूस होता है। और उन्होंने लिखा, अपने जीवन के शुरुआत में भारत के विभाजन के समय एक शरणार्थी के तौर पर उन्होंने शुरुआत की। माता पिता ने जीवन बनाने के लिए सब कुछ अर्पण कर दिया। मैं बुद्धिजीवियों से हमेशा डरता रहा। उन्होंने मुझे हमेशा अधूरा और छोटा महसूस करवाया। जब मेरी फिल्म चल पड़ी तो वही लोग मेरी सराहना करने लगे। मैं आज भी बुद्धिजीवियों से डरता हूँ। बुद्धिजीवियों से गले मिलना सांप के डसने जैसा है। मैं आज भी एक शरणार्थी हूँ। वहीं जावेद अख्तर ने पलटवार किया है, कौन वर्ग है जिसको आप गले लगा रहे हैं और आप उनसे गले मिलकर सांप के डसने जैसा महसूस कर रहे हैं। शाम मैंने गला अधूर गोपाल कृष्णन रामचंद्र गुआ, क्या सच में शेखर साहब आप ठीक नहीं लग रहे? आपको मदद की जरूरत है। चलिए किसी अच्छे मनोचिकित्सक से मिलने में मत शर्माइए। क्या ट्वीट किया शेखर कपूर ने और उसके जवाब में क्या जावेद अख्तर ने कहा, वो हमने आपको लगातार दिखाया।